गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन लेंगे कि बस द्वारा जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि बस में चढ़ते समय हमें पंक्तिवाइज लाइन में कतार में चलना चाहिए और बस में चलना चाहिए। पंक्ति या कतार जिसको हम लाइन बनाते हैं, लाइन बना करके चलना चाहिए। धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए और सबसे पहले छोटे बच्चे को चढ़ाना चाहिए और ड्राइवर के साथ हमें छोटे बच्चों को उतारते और चढ़ाते समय उनका सहयोग करना चाहिए। तो ये सब बातें मैं आपको लिखवाती हूँ, ठीक है। बस में चढ़ते समय कतार बनाकर चलना चाहिए। नंबर एक हो गया बस में चढ़ते समय कतार बनाकर चढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। ये एक नंबर हो गया। चार पांच कारण पूछते हैं एग्जाम में पांचवी क्लास के बोर्ड में आपको। फिर अगला है छोटे बच्चों को पहले चढ़ाने का या चढ़ने का मौका देना चाहिए। छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए, यानी उनको पहले चढ़ाना चाहिए। धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, फिर है अपना रास्ते में बच्चों को बस से यानी बस की खिड़कियों से सिर हाथ बाहर नहीं निकालने देना चाहिए। रास्ते में बच्चों को बस से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालने दे, क्योंकि साइड से दूसरा वाहन आए तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हमेशा विद्यार्थी को बस में पूरी तरह से रुकने पर ही अपने बस स्टॉप पर उतरना चाहिए या गंतव्य स्थान पर उतरना चाहिए। चौथा क्या है, विद्यार्थी को बस के पूरी तरह रुकने उतरना चाहिए, यानी चलती बस में नहीं कूदना चाहिए कि बस धीरे चल रही है तो अपन कूद जाएं। ये ऐसा नहीं करना है विद्यार्थी को। छोटे बच्चों को बस सहायक द्वारा चढ़ाने उतारने में हमें मदद करनी चाहिए। छोटे बच्चों को छोटे बच्चों को उतारने व चढ़ाने में
बंद करनी चाहिए। आगे कई बार क्या होता है, बस स्टॉप पर टाइम से लेने नहीं पहुंचते, लेट हो जाते कि किसी कारणवश, तो हमें उन छोटे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाना चाहिए। माता पिता के बस पर या बस तक पहुंचने पर छोटे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। तो ये तो गया अपन का कि बस से जब विद्यार्थी स्कूल आता है तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अब अपन फिर लेते हैं संवाद। संवाद अपन किसका लिखेंगे आज? फूल और डाली का संवाद दे कि फूल का डाली से संवाद कि आपस में दोनों क्या बात करते हैं। फूल और डाली का संवाद। फूल और डाली का संवाद। ये संवाद देखो फिफ्थ क्लास से बोर्ड के पेपरों में भी आता है, 6 नंबर का 4 नंबर का इस तरह से। तो अपन लेते हैं फूल पहले। फूल डाली से क्या कहते हैं? ये लिखा फूल और ये लिखा डाली। अब देखो दोनों की बातचीत क्या होती है वो लेते हैं। अब फूल जो है डाली से कहता है, तुम पर मैं झूलता रहता हूँ, क्या तुम थकती नहीं हो? फूल जो है डाली से कहता है कि मैं तुम पर झूलता रहता हूँ, तुम थकती नहीं हो? मैं तुम पर झूलता रहता हूँ, क्या तुम थकती नहीं हो? क्या तुम थकती नहीं हो? ये प्रश्न पूछ रहा है उसे। अरे फूल अब क्या है डाली, अरे फूल ये क्या, यह क्या कह रहे हो? यह क्या कह रहे हो? ये तो तुमसे ही तो मेरी शोभा है, यानी तुम ये क्या कह रहे हो, ये तो तुमसे ही तो मेरी शोभा है। तुमसे यानी दादी किससे सुंदर लगती है? फूलों से ही सुंदर लगती है, इसलिए फूल ने कहा कि तुम तो मेरी शोभा हो। अब फूल कहता है मैं कैसे, लिखेंगे फूल, मैं कैसे। अब है अपनी डाली। अब डाली बताएगी कि वो सुंदर कैसे रहता। तुम रंग बिरंगे रंगों के जब मुझ पर खिलते हो, यानी फूल रंग बिरंगे होते हैं और जब वो डाली पर खिलते हैं तो डाली की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। जब तुम रंग बिरंगे होते हो, तुम रंग
खेलते हो? तुम खेलते हो तब मेरी सुंदरता बढ़ जाती है, तुम रंग बिरंगे होते हो, और जब तुम खेलते हो, जब तुम मुझ पर खेलते हो तो मेरी सुंदरता बढ़ जाती है। यानी देखो फूल जो है रंग बिरंगे भी होते हैं, फूल सभी को अच्छे लगते हो लगते हैं। अब देखो फूल फूल क्या कहता है, तुम मुझे अस्तित्व देती हो, तुम यानी अस्तित्व कौन देता है फूल को, डाली देती है। तो फूल कहता है तुम मुझे अस्तित्व देती हो, यानी उसका महत्व बढ़ाता है। फिर भी मेरे प्रति इतना सम्मान रखती हो, यानी मुझे अस्तित्व में देती हो और मेरा सम्मान, फिर भी मेरा सम्मान, फिर भी अस्तित्व भी देती हो और मेरा सम्मान भी, फिर भी मेरा अस्तित्व भी देती हो और फिर भी मेरा सम्मान बढ़ाती हो, यानी सम्मान भी देती है दादी इसको, और उसका अस्तित्व ही दादी से बना रहता है। वास्तव में तुम धन्य हो। अब फूल क्या कहता है कि वास्तव में डाली को धन्यवाद देता है, वास्तव में धन्यवाद। ये हुआ अपना, देखो एक मिनट इस लाइन को फिर से देखना, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। तुम मुझे अस्तित्व देती हो फिर भी मेरे प्रति इतना सम्मान रखती हो, इस तरह से करना इसको। फिर अब वास्तव में तुम धन्य हो, तो ये हो गया आपका संवाद और सड़क सुरक्षा संबंधित आपके नियम। तो दोनों को आप लिखना और याद